नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आपको बता दें कि 27 अक्टूबर के सुबह 9 बजे से जी दोस्तों यह समय से आपके जीवन काल में भगवान श्री गणेश जी के आशीर्वाद से या फिर यूं कहें तो उनकी कृपा से कई बड़े चमत्कार आपके जीवन में आपको देखने को मिलेंगे। जी दोस्तों आपको बता दें कि यह समय बुधवार का दिन होगा और ज्योतिष शास्त्र में बुधवार का दिन भगवान श्री गणेश जी को अर्पित है। यश में भगवान श्री गणेश जी अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करती है। जो भक्त मेहनत करते हैं उनके जीवन में खुशियां लाने में, उनके जीवन में उन्हें नई दिशा दिखाने में उनकी मदद करते हैं। और यश में भी आपके जीवन काल में कुछ ऐसे ही चमत्कार होने वाले हैं जिनसे आपके सामने कुछ नई खुशखबरी मिलेगी, कुछ बड़ी बड़ी सफलताएं भी आपको मिल सकती है और कोई बड़ी खुशखबरी यश में आपको मिलने वाली है। जय दोस्तों आपको बता दें कि भगवान श्री गणेश जी का आशीर्वाद जिनके भी जीवन काल पर रहते हैं उनके जीवन में कभी सुख समृद्धि और खुशियों की कमी नहीं रहते, क्योंकि दोस्तों भगवान श्री गणेश जी लाभ के कारक हैं और यश में आपके जीवन में लाभ ही लाभ रहने वाली है। क्योंकि दोस्तों यश में भगवान श्री गणेश जी के आशीर्वाद से ग्रहों की भी बहुत ही शुभ स्थिति रहने वाली है और इनका भी शुभ परिणाम आपको प्राप्त होने वाले हैं। दोस्तों यूँ कहें तो भगवान श्री गणेश जी के आशीर्वाद से और ग्रहों की चाल भी बहुत ही शुभ रहने के कारण आपके जीवन में यश में मंगलमय ही मंगलमय रहने वाले हैं। ऐसे में दोस्तों अब आपका दायित्व होता है कि इन सभी महत्वपूर्ण समयों का सदुपयोग करके अपने जीवन में आगे बढ़ें। जय दोस्तों तो दोस्तों ऐसे में आप वीडियो को बिल्कुल मिस ना करें और शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि दोस्तों इनमें आप सभी महत्वपूर्ण जानकारी को जानेंगे कि यश में बदलते ग्रहों के चाल के साथ साथ आपको किन क्षेत्रों को लेकर सावधान रहना होंगे, कौन से कार्य आपके लिए भाग्यशाली होंगे, किन क्षेत्रों में कार्य करने से आपको लाभ की प्राप्ति होगी और भगवान श्री गणेश जी के आशीर्वाद से आपके घर के माहौल में और पारिवारिक जीवन में क्या क्या सुधार होंगे। तो दोस्तों अंत तक देखिएगा। उससे पहले दोस्तों जो भी व्यक्ति वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय श्री गणेश जी लिखेगा, गुरु जी का और भगवान श्री गणेश जी का सदैव आशीर्वाद प्राप्त करेगा। तो दोस्तों जरूर लिखिएगा। और अगर आप चैनल पर भी नए हैं तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर लें। तो आइए दोस्तों वीडियो को प्रारंभ करते हैं। दोस्तों यश में आर्थिक स्थिति आपकी बेहतर होगी, क्योंकि दोस्तों कहीं से यश में रुका हुआ पैसा भी आपको मिल सकता है। घर की सुख सुविधा संबंधी वस्तुओं की खरीदारी में भी आपका समय व्यतीत होगा। रिश्तों में भी और अधिक तुम्हें नई दिक्कतें आने वाली है। इसके साथ ही दोस्तों यश में अगर आपकी सावधानी को लेकर बात करें तो दोस्तों कुछ नए संपर्क भी यश में स्थापित होने वाले हैं, परंतु आपको बता दें कि यश में अनजान व्यक्तियों के साथ व्यवहार करते समय आपको सावधानी भी रखने की जरूरत होगी। दोस्तों किसी भी पर यश में आपको जल्दी विश्वास नहीं करना चाहिए, पहले अपने सोच विचार करना चाहिए, उन पर रिसर्च करना चाहिए। और साथ ही दोस्तों संतान की पढ़ाई के प्रति लापरवाही देखकर आपको चिंता भी रह सकती है। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि आपके अटके हुए काम यश में धीरे धीरे गति की ओर बढ़ेंगे। फिर भी दोस्तों संयम की कमी के कारण सकारात्मक बातों की तरफ भी आपका रवैया जो है नकारात्मक ही रहेगा। इसलिए दोस्तों यश में आप कोशिश करें कि अपने नकारात्मक रवैये को दूर करके सकारात्मक दृष्टि से सभी कार्यों को देखें। इसके साथ ही दोस्तों यश में यात्रा से संबंधित निर्णय आपके द्वारा लिए भी जाएंगे। महत्वपूर्ण काम संबंधी यात्रा जल्दी ही हो सकती है, ये यात्रा भी आपका सफल रहेगा और आपके लिए नए अनुबंध भी आपको दिलाने वाले हैं। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि कोई रुका हुआ या फिर अटका हुआ काम भी यश में आपका पूरा हो सकता है। सही समय पर सही निर्णय लेना आपके भाग्य को यश में मजबूत बनाएगा। दोस्तों आपको बता दें कि आपके आसपास का वातावरण जो है यश में खुशनुमा रहेगा तथा अपने परिवारजनों के साथ बैठकर दुख सुख साझा भी यश में आप करने वाले हैं। इनसे दोस्तों आपको आत्मिक खुशी की भी प्राप्ति होगी। तो दोस्तों यश में आप जरूर इनसे शेयर करें, आपके लिए बेहतर होंगे। चीज के साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि किसी काम में रुकावट भी आ सकती है, तो दोस्तों इसका कारण अपने अनुभव में कमी को न माने, क्योंकि दोस्तों समय कुछ ऐसा है कि आपको यश में इनका सामना करना पड़ेगा। कुछ समय चिंतन और मनन में भी अवश्य लगाएं, ये आपके लिए बेहतर होंगे। साथ ही दोस्तों घर में यदाकदा छोटी छोटी बातों को लेकर कोई बहस स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है, तो दोस्तों छोटी मोटी बातों को इसमें आपको नज़रअंदाज करना चाहिए, ये आपके रिश्तों के लिए इसमें बेहतर होंगे। और इसके बाद दोस्तों इस समय
आपके लिए समय होंगे दोस्तों, आपको बता दें कि परिवार के बुजुर्गों का ध्यान रखने की आपको आवश्यकता होगी। उनके साथ मिले मार्गदर्शन को नज़रअंदाज ना करें, भले ही दोस्तों निर्णय आप अपने मन से ही लें, लेकिन दोस्तों द्वारा दिए गए सुझाव पर सोचने की आपको आवश्यकता होगी। परिवार के बुजुर्ग व्यक्ति द्वारा महत्वपूर्ण कार्य के लिए योग्य मार्गदर्शन भी आपको इसमें प्राप्त हो सकता है। और इसके उपरांत दोस्तों इसमें आपके लिए समय होगी, आपको बता दें कि परिवार के साथ खुशनुमा समय व्यतीत होगा। घर के कई रुके हुए कार्य भी इसमें पूरे समय पर हो जाएंगे और इनमें आपका विशेष सहयोग भी रहेगा। प्रॉपर्टी के किसी काम को लेकर कोई नजदीकी यात्रा का प्लान भी बनेगा, जो कि दोस्तों आपके लिए फायदेमंद साबित होंगे। परंतु दोस्तों कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले उनके बारे में पूरी रूपरेखा आप अवश्य बना लें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। इसके साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि युवा वर्ग का अपने करियर को लेकर कोई गलत निर्णय भी हो सकता है, इसलिए यश में आपको अत्यधिक सावधान रहने की आवश्यकता होगी। मन स्थिति पर आपको नियंत्रण रखना यश में जरूरी होगा। इसके साथ ही दोस्तों आपके लिए समय होंगे, कम समय में अधिक काम को खत्म करने के लिए आपको द्वारा प्रयत्न भी किए जा सकते हैं। परिवार के बीच हो रहे वाद विवादों को दूर करने की आप कोशिश करते रहें। माता पिता के साथ ठीक से संवाद करने की आपको इसमें कोशिश करनी चाहिए, ये आपके लिए बेहतर होंगे। और इसको प्राप्त हो तो इसमें आपके लिए समय होंगे, आपको बता दें कि फोन द्वारा कोई महत्वपूर्ण सूचना भी आपको प्राप्त होगी। राजनीतिक अथवा सामाजिक कार्यों में जाने का आपको अवसर भी प्राप्त होगा, जो कि आपके लिए फायदेमंद भी साबित होंगे। किसी पुराने मित्रों की अचानक से मुलाकात भी आपके पुराने यादों को भी इसमें ताज़ा करने वाली है। इसके साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि शिरश्रष्टा आदि जैसे वृक्ष वाली प्रवृत्तियों से आपको दूरी बनाकर रखना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये जो समय है आपके लिए कुछ नुकसान की स्थितियाँ बन रही है। वाहन चलाते समय भी आपको अत्यधिक सावधानी बरतना चाहिए। दोस्तों यश में किसी भी गैर कानूनी कामों में इसमें रुचि ना लें, ये आपके लिए बेहतर रहेंगे। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे, आपको बता दें कि महत्वपूर्ण कामों को पूरा करने की आपकी जिद और उत्साह भी बढ़ेगा। साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि यश में खुद के प्रति आ रही जागरूकता की वजह से किसके साथ कैसे संबंध बनाए रखनी है यह बात का आपको पता चलेगा। आपके अंदर आ रहे बदलाव थोड़ा डर भी पैदा कर सकते हैं, फिर भी दोस्तों आपको यश में खुद पर विश्वास रखकर आगे बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि ये आपके लिए यश में बेहतर होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके करियर को लेकर बात करें, अर्थात आपके व्यवसाय की, तो दोस्तों ये जो समय है आपके व्यवसाय के लिए किसी भी व्यवसायिक कार्य में अपने पेपर अथवा फाइलों को पूरी तरह व्यवस्थित रखें। कोई भी हस्ताक्षर करने से पहले उसे अच्छी तरह से आपको पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि दोस्तों धोखाधड़ी की संभावना भी बन सकती है। ये जो समय है आपके लिए कोई कार्यवाही संबंधी योजना लंबित हो सकती है। नौकरी में भी ऑफिस का काम बनेगा, जिससे आपका सुकून भरा माहौल भी रहने वाले हैं। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके करियर के लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि दोस्तों कार्य क्षेत्र में किसी सहयोगी अथवा कर्मचारियों से भी चल रहा पुराना मतभेद यश में दूर होगा, तथा व्यवसाय की स्थिति भी यश में बेहतर होगी। किसी नए काम की शुरुआत हो सकती है, किसी नए काम पर निवेश करने के लिए जो समय है यश में उत्तम समय होगा। साझेदार संबंधी व्यवसाय में भी यश में मुनाफे की स्थिति बन रही है, तो दोस्तों ये जो समय है आपके करियर के लिए बेहतर साबित होने वाले हैं। और इसके उपरांत दोस्तों आपको बता दें कि कार्य क्षेत्र में हर काम में बड़ी जो है संजीदगी और गंभीरता से आपको करना चाहिए। प्रॉपर्टी संबंधी व्यवसाय में भी कोई रुका हुआ महत्वपूर्ण कार्य भी यश में संपन्न हो सकते हैं, परंतु दोस्तों नौकरी पेशा लोग यश में सावधान रहें। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके व्यवसाय के लिए समय होंगे, आपको बता दें कि काम का दबाव बना रहेगा, परंतु आप गंभीरता व फिर हिम्मत द्वारा उसे पूरा करने में भी सक्षम रहेंगे। इसके साथ ही दोस्तों व्यक्तिगत तथा व्यावसायिक कार्यों में बेहतर तालमेल बनाकर रखें। छोटी मोटी गलतियां सामने आएंगी, परंतु उसे अपनी सीख मानकर आप आगे बढ़ें। और इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपकी लव लाइफ को लेकर बात करें, अर्थात आपके पारिवारिक जीवन की, तो दोस्तों यश में पारिवारिक जीवन सुखमय बना रहेगा। अचानक किसी मित्र के मिलने से मन में उमंग और खुशी का माहौल रहेगा, खुशी इसमें आप महसूस करने वाले हैं। वही दोस्तों इन दिनों में हल्दी की एक गांठ, पीपल के 5 पत्ते, 1.25 किलो पीली दाल, केसर, सूर्यमुखी का एक फूल, पीले वस्त्र, यह सारी सामग्री किसी ब्राह्मण को जो है श्रद्धा पूर्वक आप दान करें। इससे दोस्तों आपका पारिवारिक जीवन है यश में बहुत ही बेहतरीन होगा। दोस्तों यश में आपको कौन से उपायों को करना चाहिए, दोस्तों आपको बता दें कि यश में आप जो है इस राशि के लोग अपने आप में संयम रखें, क्रोध ना करें और किसी को अपशब्द ना बोलें। और दोस्तों आपको बता दें कि यश में आप माँ दुर्गा की आराधना करें, दुर्गा सप्तमी का पाठ करें
और छोटी कन्याओं का भी आशीर्वाद लें। दोस्तों ये सभी उपाय आपके लिए इसमें बेहतर होंगे। तो दोस्तों इन सभी चीज़ों पर ध्यान दें, ये आपके भविष्य के लिए बेहतर होंगे, आपके लिए भाग्यशाली होंगे। और साथ ही दोस्तों और ऐसी अधिक जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें और शेयर।